19 अगस्त 2024। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम हैं मनाली के अंदर, मनाली से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर अंजनी महादेव टेम्पल की तरफ। अंजनी महादेव टेम्पल जो कि सोलांग वैली से ट्रैक स्टार्ट होता है और अभी लास्ट टाइम 24 जुलाई के आसपास अंजनी महादेव के पास ही सबसे ज्यादा जो है तबाही हुई थी। पीछे ग्लेशियर टूट गया था जिस वजह से पूरा का पूरा रास्ता जो है अंजनी महादेव का टूट गया था। तो अभी कैसा वो रास्ता है, कैसा वो मंदिर है दिखाई देता है इस टाइम पे ग्रीनरी के अंदर, और कैसा मनाली का मौसम है, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत यूजफुल ये वीडियो रहने वाला है। और हम आज कोई नई चीज भी ट्राई करेंगे कुकिंग के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे। 2:30 और हम लोग मनाली मॉल रोड से निकले हैं अभी सोलांग वैली की तरफ। तो देखते हैं सोलांग या कोठी कुलाबा की तरफ हम जाएंगे, तो एक बार तो यहाँ से निकल पड़े हैं। और थोड़ा सा आज बारिश जैसा भी मौसम लग रहा है, तो ऐसी जगह हमें देखनी पड़ेगी कि बारिश आ जाए फिर भी हमें कुकिंग वगैरह के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और अभी वशिष्ठ चौक से थोड़ा सा पहले हम लोग हैं, देख सकते रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और नदी में पानी भी बहुत कम है, लेकिन आगे धुंधलापन ऐसा दिख रहा है जैसे आगे बारिश हो रही हो। तो हम उसी तरफ चलते हैं, बारिश की तरफ ही देखते हैं बारिश मिलती या फिर क्लियर वेदर रहेगा वहाँ पे। और अभी थोड़ा सा ही आगे हम लोग चले हैं तो बारिश शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप, रोड पूरा गीला हो चुका है। तो देखते हैं, चलो कहीं तो जाएंगे ही, खाली बैठ के वैसे भी क्या बोर हो ना, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिखाना बारिश के अंदर भी। तो चलते हैं आगे, और बारिश होते ही देख सकते हैं एकदम से मनाली का रंग बदल जाता है, ग्रीनरी हो चुकी बहुत ही अच्छी और बारिश अभी तेज़ हो गई है। तो देखते हैं कितनी देर चलेगी ये बारिश। और अभी यहाँ से नेहरू कुंड के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो नेहरू कुंड से हम भरेंगे पानी ताकि कुकिंग वगैरह में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये है नेहरू कुंड, मारुति कुंड भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और नेहरू कुंड तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा मानते कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो अब यहाँ से पानी स्पेशल मंगवाते थे पीने के लिए, कश्मीर और मनाली दो जगह का पानी वो मंगवाते थे अक्सर। तो ये जो पानी निकल रहा है ये बताते ब्यास कुंड से आता है, और सॉरी ब्रिगु लेक से आता है ये, और पत्थरों के बीच में से आता है तो बिल्कुल ये साफ़ है। और यहाँ पे देख खाता हूँ, ये देखिए अभी बारिश कितनी तेज़ हो चुकी है, तो आप लोग पानी वगैरह के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। तो सोलांग वैली के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर आगे बारिश तो थोड़ी सी कम हो गई है, तो देखते हैं जहाँ पे कोई लोकेशन हम ढूंढते हैं सोलांग वैली अटल टनल के बीच में कहीं, जहाँ अगर बारिश भी चलती रहे तब भी हम छोटी मोटी कुकिंग वगैरह कर सके। और इस बीच आपको सोलांग वैली में भी दिखाएंगे कुछ एक्टिविटी वगैरह हो रही कि नहीं। और सोलांग वैली बिल्कुल खाली पड़ी है अभी, ये देखिए एक दो गाड़ियाँ दिखती है इस रोड पर, अदरवाइज सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। सर्दियों में भी, मई जून में भी यहाँ गाड़ियाँ निकलने की जगह नहीं होती, इतना ट्रैफिक होता है। और अभी बिल्कुल खाली पड़ा है ये रोड देखिए। 3:20 हुए हैं और हम लोग सोलांग वैली से ऊपर आ गए हैं अंजनी महादेव टेम्पल की ओर, और बारिश अभी बिल्कुल कम हो गई है, एक तरीके से बोले तो रुक ही गई है, छोटी छोटी बूंदे आ रही है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल बन जाते हैं जब बारिश का सीज़न आता है। और एक और जिमनी ऊपर लेके गए हैं, तो जिमनी का खूब फ़ायदा उठाया जा रहा है मनाली के अंदर, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से किसी भी रोड से जो है लोग ले जाते हैं। और ये देखिए एक बार चारों तरफ के व्यू बहुत ही प्यारे हैं, और जिस रोड से हम आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये रोड है जहाँ से हम गाड़ी लेके आए थे ऊपर, तो ज़्यादातर पत्थर है और अभी तो पहले से बहुत ठीक हो गया, जब ये 24 जुलाई को पीछे ग्लेशियर जो है वगैरह टूट गया था उस वजह से जो मनाली में बाढ़ आई थी तो ये सारा रोड ख़राब हो गया था। और अभी तो गाड़ियाँ मज़े से आप लोग लेके आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, देखिए बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी पेट पूजा का कुछ सोचते हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारी गाड़ी है। तो अभी बारिश कंटिन्यू चल रही थी तो गाड़ी के अंदर ही हमने सेटअप कर लिया है, ये देखिए। और हमारे आज के कुक हेलो, केवल क्रेडिट लेने वाले हैं ये, बाकी सारी तैयारी मैंने खुद ही करी है इसकी। और ये देखिए अभी बहुत सुंदर व्यू आ रहे हैं यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत। तो ये हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं, तो आज कुछ चाइनीज ट्राई करते हैं।
तो अभी ये हमारे नूडल्स जो है बॉईल हो चुके हैं, और इसके साथ में हमने जो है पीस भी डाल दिए थे मटर भी, ताकि बाद में वो कच्चे ना रहे। तो अभी बारिश रुक गई थी और यहाँ पे देख सकते कितने सारे जो है कुत्ते आ गए हैं यहाँ पे कंपनी देने के लिए। 4 और 5 6 7 8 9 कुत्ते आ चुके एक साथ, और आज की कुकिंग का जिम्मा ले लिया है शुभम ने। तो शुभम कहता आज मैं खुद ही कुकिंग करूंगा, तो आज नूडल्स बनाएंगे हम लोग। ये प्याज कैप्सिकम हरी मिर्च काट के रख ली है, ये नूडल्स और पीज उबाल के रख लिए है, साथ में हम लोग यहाँ पे स्पीकर लगा के गाने का मजा ले रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट जो है तैयार हो गया है ये, और देखते हैं तेल कब डालेंगे ये कढ़ाई से, पानी तो सूख गया है। तो ये नए नए मास्टर शेफ अभी डर डर के प्याज डालते हुए इसके अंदर, और चेहरा देख मिशन सकते कंप्लीट हैं। हो तो गया। ये देखिए, ये प्याज चलाने भी होते हैं सर जी बीच में। ओ अच्छा, हाँ, तो हमने वैसे टेबल बाहर सेट कर लिया था बहुत अच्छे व्यू के बीच में, लेकिन बारिश फिर से जो है चालू हो गई है, और अभी ये हम छाता लेके जो है कुकिंग कर रहे हैं। तो बारिश के बीच में आज जो है नूडल्स हमारे बनने वाले हैं। और मास्टर शेफ जो है एक और है हमारे बीच में, शुभम कोई गलती ना करे उसके लिए निरीक्षण देने के लिए केवल, बाकी जरूर हमने दूर बिठा के रखा है। हरी मिर्च, हरी मिर्च डालता हूँ पहले यार, सबसे घटिया चीज है। अच्छा ऐसे करना था, अच्छा ऐसे तो इतना इजी है। ओ तो जो स्टार्टिंग वाली क्लिप थी इसलिए मैं बोल रहा था, केवल क्रेडिट लेने के लिए जो है कुक बने हैं ये, बाकी जो है समझ ही सकते हैं आप लोग खुद ही। तो अभी यहाँ पे प्याज शिमला मिर्च और उसके अलावा यहाँ पे कुछ मसाले जैसे कि जीनोमोटो नमक, और उसके बाद फिर सेजवान सॉस डाल दी हमने, और थोड़ी सी और इसमें सोया सॉस डाल चुके हैं। तो अभी आ गई है नूडल्स की टर्न, और अगर शुभम के कोई दोस्त वीडियो ये देख रहे हैं कोई भी नहीं देखो। तो हाँ आप समझ जाना कि सारे काम शुभम ने नहीं किए हैं, ये केवल वीडियो वीडियो बनाने के लिए आगे आया है। कहीं जो है ये स्कूल में आगे वीडियो दिखाए, बोले हाँ भाई देखो मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, तो बातों में कोई मत आना। और अभी बारिश कंटिन्यू ही चली है, ये देखिए कंटिन्यू बारिश चली हुई है, और अभी ये मिक्स करना भी देख लेना। और ये देखो, इसलिए कहते हैं बच्चे को कुछ सिखाना हो तो माँ को उससे दूरी रखना चाहिए। वहां से ऊपर से भी सीट भी चेंज कर दी, पीछे से हमने आगे भेजा, उसके बावजूद वहां से हाथ घुमाने में लगे कि ऐसे ऐसे चम्मच घुमाओ। तो बच्चों को ज्यादा जो है लाड प्यार की बजाय थोड़ा बहुत कुछ करने दो। ये देखो कैसे मैं दलिया कैसे बनाने की बनाऊंगी ये, तैयारी, दलिया बनाने की तैयारी है अभी इसको। तो ये चलो मिशन तो ये कंप्लीट अभी हुआ। देख लिया आपने कि शुभम केवल जो है वीडियो बनाने के लिए आगे आया था। तो नूडल्स अच्छे बने हैं, ज्यादातर चीजें हमने शुभम से करवाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादातर लाड प्यार बच्चों को अक्सर बिगाड़ के रख देता है, और वो आगे छोटी छोटी चीजें करने में भी उनको दिक्कत आती है। तो चलो थोड़ी थोड़ी चीजों से बच्चे सीखते हैं, तो आप भी अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको मोटिवेट कीजिए, छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करो, ताकि वो काफी सारी चीजें सीख सके। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, आने वाला टाइम तो इससे काफी बुरा आने वाला है, तो जितना बच्चे स्ट्रोंग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल में गए थे, पीटीएम थी शुभम की, तो मार्क्स काफी कम आए थे। तो अगर फाइनल में भी मार्क्स कम आते हैं तो एक बिजनेस चलो उसके लिए तैयार हो रहा है, तो उसका कहीं पे ठेला हम लगवा सकते हैं नूडल्स का।
और शास्त्रों में बेसब्रा ऐसे ही बंदे को कहा गया। ये देखिए, प्लेट हाथ में है, प्लेट में डालने की हिम्मत नहीं है, इस बाउल के अंदर ही। बेसब्रा कहो या जो भी कहो, इतनी शांति नहीं थी कि जो है प्लेट में डाल के खा ले। और ये देखो, स्पून भी अलग ही है। क्या बोलते हैं शुभम इनको, चॉपस्टिक्स बोलते हैं। चॉपस्टिक्स? ये चॉपस्टिक्स से खाते हुए हमें तो नाम ही आज पता चला, चॉपस्टिक्स बोलते हैं इसको। पांच बज के हुए अभी 30 मिनट और हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड में। तो बारिश तो यहाँ पे चली हुई है कंटिन्यू, बट वो बारिश है बिल्कुल नाम नाम की, हल्की हल्की बूंदे आ रही है छोटी छोटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट जो है उधर घूम रहे हैं दूर। तो रोपवे का मजा सबसे बेस्ट है इस टाइम पे अगर आप आते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट अभी यहाँ पे घूमते हुए छाता लेके, और ये एक लोकल यहाँ से रैबिट लेके। तो रैबिट के साथ, याक के साथ आप लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। तो ये ऊपर जा रहे हैं अभी, मालूम नहीं कहाँ कौन से बड़ा ऊपर, और भी कुछ टूरिस्ट है उधर। ये देखिए काफी बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अभी चलते हैं मनाली की ओर, और मनाली का वेदर भी आपको दिखाएंगे। और ये अभी मनाली के पास हम पहुंचे हैं। तो बारिश लगातार चली हुई है, लेकिन नदी के अंदर पानी नॉर्मल है अभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसकी वजह से कोई बाढ़ आएगी या कुछ होगा। बाकी अभी घंटा भर हम लोग रुकते हैं, तो उसके बाद फिर से जो है मौसम की अपडेट के लिए फिर से जो है ये वीडियो दोबारा से शूट करेंगे, ताकि जो है जितना लेट तक हो सके आपको हम मौसम का कवरेज दे पाए। 6 बज के हुए अभी 50 मिनट और हम लोग बस स्टैंड के पास हैं। ये राइट साइड में है HRTC का जो ऑर्डिनरी बस स्टॉप है, ISBT जिसको बोलते हैं। और यहाँ से जा रहे हम वोल्वो बस स्टैंड की ओर, और वोल्वो बस स्टैंड से जाएंगे जिंग बस लॉन्च की ओर। तो अभी बारिश कंटिन्यू चल रही है, लेकिन कभी तेज हो जाती कभी नॉर्मल, और नदी के अंदर पानी अभी नॉर्मल है। तो अभी देखते हैं कब ये बारिश रुकती है, और वोल्वो बस स्टैंड के पास जाके बसों की सिचुएशन भी देखते हैं, बसें आज मनाली से निकली है कि नहीं। हम तो ये पहुंचे अभी हम वोल्वो बस स्टैंड के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर बसें निकल गई है, केवल 5-6 बसें यहाँ पे खड़ी है प्राइवेट वाली, क्योंकि अभी जो है 5 बजे 5:30 बजे ज़्यादातर बसें चलती है यहाँ से। तो ये देखिए, और यहाँ से अभी जाएंगे हम जिंग बस लॉन्च की ओर, क्योंकि कुछ जिंग बस भी जाती है चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए। और जिंग बस लॉन्च थोड़ा सा आगे है यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर आगे है, और पहले तो काफ़ी दूर होता था वो। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं जिंग बस लॉन्च के पास, और वो सामने जो बसें दिखाई दे रही है दूर बहुत सारी, वो है वोल्वो बस स्टैंड। तो वोल्वो बस स्टैंड से पहले ही पड़ता है ये, लगभग 1 किलोमीटर पहले जिंग बस लॉन्च। ये सामने एक राम दलाल की बस लगी हुई है। तो जिंग बस का एक्चुअली टाई अप्स रहता है, जिंग बस की खुद की बसें नहीं है, जैसे राम दलाल है, लक्ष्मी है, और है बहुत सारे ओल्ड एज वाले हैं जिनसे इनका टाई अप रहता है। और ये सामने है हरिहर हॉस्पिटल, और उसके सामने ये होटल है, होटल मैपल रिट्रीट। तो 7 बज के हुए अभी 10 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे विनू रोहिला ने आज जाना है घर पे, विनू रोहिला जो कि ब्रदर इन लॉ है मेरा, ये सामने वीडियो में दिख रहा है, और जो पीछे हमने वीडियो डाली थी बेफिक्रा ओवरलैंडर के साथ सुनील दैया भाई, तो उसमें भी ये थे वीडियो में, ये देखिए। और अभी अंधेरा होने लगा है। तो सुबह जितनी भी बसें थी जो कि दिल्ली चंडीगढ़ से आई थी, तो मंडी के पास आज सुबह हुआ था रोड जाम लैंडस्लाइड की वजह से, तो वो बसें रुकी काफ़ी देर, और लगभग 10-10:30 बजे वो रोड ओपन हुआ था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस बस में बहुत से लोग हैं। तो जब भी आपको मंडी के आसपास की अपडेट्स जाननी हो, तो फेसबुक पे पेज है मंडी पुलिस का, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मंडी पुलिस टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती है, हर 2 घंटे के बाद अपडेट आता है उनका कि कौन सा रोड ओपन है, कौन सा ब्लॉक है, और अगर बीच में कोई अपडेट आ जाती तो 2 घंटे से पहले भी वो लोग अपडेट कर देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो बाकी अभी तो रोड सारे के सारे ओपन है, तो जैसे ये कोई नया अपडेट आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के जरिए, अपनी शॉर्ट के जरिए अपडेट्स करने का। तो
तो यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर विद महिवाल्स। तो अभी 10 से 15 मिनट में ये बस निकल जाएगी चंडीगढ़ के लिए, तो जैसी भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम हम डाल देंगे। बाकी विनो भी जो है, जो कि अभी फोटोग्राफर है, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद कमेंट जरूर इस वीडियो पे डाल देगा, जिससे आपको आइडिया होता जाए कि हाँ मनाली से लेके चंडीगढ़ तक के रोड कैसे हैं, दिल्ली तक के रोड कैसे हैं। बाकी जो मंडी पुलिस का मैंने पेज बताया है, मंडी पुलिस फेसबुक पे आप लोग जरूर फॉलो करके रखें। आपको मनाली अगर आना है, हर 2 घंटे में वहाँ पे अपडेट ज़रूर से आता है, और ऐसे मौसम के अंदर ऐसी ऐसी जगह जाना, ऐसी ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाना, तो काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। और बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को समझते भी है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और उन कमेंट्स का ही नतीजा है इतना आप लोग सपोर्ट करते हैं कि मौसम की परवाह ना करते हुए, रोड्स की परवाह ना करते हुए ऐसे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। इसको कोई फालतू में तो नहीं देखेगा, जिसको मनाली आना है तो उनके लिए काफ़ी काम के ये वीडियोस रहते हैं। तो खूब सारा प्यार आप लोग दीजिए ताकि हम लोग डेली की डेली ऐसे अपडेट्स लेके जाए। तो जैसे बारिश चल रही है, हो सकता है ये 1-2 घंटे के बाद रुक जाए, और दुआ करते हैं ये रुक ही जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। लास्ट ईयर जैसे बहुत दिक्कतें हुई थी, तो इस बार हम नहीं चाहते कि टूरिज़्म को इतना ज़्यादा नुकसान हो। और पिछले साल तो काफ़ी सारे टूरिस्ट को बहुत सारी परेशानी हुई, जितने भी लोकल लोग थे, होटेलियर्स थे, काफ़ी सारा जो है नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो दुआ कीजिए आप लोग भी जल्दी से ये मौसम साफ हो जाए, और इस साल कोई ऐसी दिक्कतें, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो लास्ट ईयर की तरह। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग जल्द मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर कोई नई अपडेट के साथ।